नायक कर्पूरी ठाकुर ने इसी सदन में कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। मैं आज समझता हूं कि सदन में बैठा हुआ एक भी आदमी, चाहे वो पदाधिकारी हो या राजनीति करने वाले लोग जो माननीय सदस्य हो, किन्हीं का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, आखिर क्या कारण? इसी सदन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर, जिस समय जब कर्पूरी ठाकुर जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय मीनापुर हाई स्कूल में जाकर के हॉस्टल में रह के पढ़ते थे, और आज कैसी व्यवस्था हो गई सरकारी स्कूल में, एक मजदूर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता। सरकार पीठ थपथपाती है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाती है कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये योजना, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आप साइकिल दे दो, पोशाक दे दो, लेकिन जो शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला आदमी है, वो तो आपके विद्यालय में कहीं सही से उपलब्ध नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट है 2019-20 के गजट में इन लोगों ने लिया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल सहित 20 टीचर होंगे और माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 11 टीचर होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा को देखता हूं, मैं कई बार समीक्षा बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, वहां विषय वाइज शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक गणित का है वही विज्ञान पढ़ाता है, और शहर में एक विषय के 10-10 टीचर बैठे हुए हैं। मैंने उस विद्यालय का नाम भी दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक गरीबों के साथ अन्याय है कि गांव में बसने वाला गरीब और मजदूर अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता, लेकिन पैसा कमा करके आदमी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। हमारी सरकार एसटीईटी, टीईटी, बीएलएड, डीएलएड, बीएड सारी प्रतियोगिताएं पास करवाती है, लेकिन साधारण इंटर पास और ग्रेजुएट साधारण आदमी अगर कोई कन्वेंट खोलता है तो सरकारी स्कूल की तरफ कोई ताकता भी नहीं है। क्या कारण है इसमें? हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहा करते थे कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, क्योंकि कर्पूरी जी का अरमान था। और आज गांव के स्कूलों की क्या हालत हो गई, जब व्यवस्था अच्छी हुई सरकार की, इतना जब सारा पोशाक बांट दिया, साइकिल बांट दिया, सारा चीज कर दिया, फिर बच्चे वहां क्यों पढ़ने नहीं जाते हैं? साधारण आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाता है? बहुत से तो इस सदन में सदस्य हैं जो बड़े बड़े कन्वेंट लोग खोले हुए हैं। क्यों खोले हुए हैं भाई? और जब व्यवस्था इतना ही अच्छी है तो इतना प्राइवेट कन्वेंट है, इतना प्राइवेट स्कूल क्यों आगे सिद्धित हो रहा है? इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, ये अखबार में, विभिन्न अखबारों में आया कि बिना शिक्षक के ही इंटर और मैट्रिक पास कर जाते हैं बच्चे, बिना शिक्षक के ही दिए हुए। हाई स्कूल में 150 छात्रों के लिए मात्र 2 शिक्षक, हिंदी के शिक्षक गणित तो विज्ञान दूसरे पढ़ाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था है कि जो हिंदी का शिक्षक हो वो गणित पढ़ाता है, जो विज्ञान का शिक्षक है वो अंग्रेजी पढ़ाता है। एक समय था कि बिहार को ज्ञान का जो है ज्ञान की धरती कहा जाता था, जहां राजेंद्र बाबू जैसे और गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण जैसे लोग यहां पैदा लिए थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला आदमी एक चपरासी भी नहीं होने वाला है, कोई पढ़ाई नहीं होती। 12 बजे के बाद जो है घंटी बजता है तो सब गरीब का बच्चा सब जो है वही खिचड़ी खाने के लिए स्कूल चला जाता, मेरिट का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जो टीचर टीईटी पास चाहे एसटीईटी पास किए, सरकार चाहती है कि मैं डिजिटल एजुकेशन दूं। डिजिटल एजुकेशन के लिए आज स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया, सब लोग स्मार्ट क्लास बना दिए, कौन चलाएगा स्मार्ट क्लास? उसे बहाल किए, कोई बहाली नहीं हुई, और जस के तस वैसी धूल फांक रहा है स्मार्ट क्लास। उसके लिए क्लास रूम का ही व्यवस्था, क्लास रूम में ही स्मार्ट क्लास को बना दिया गया। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं उपाध्यक्ष महोदय जहां बच्चे अगर 1200-1300 बच्चे हैं तो रूम एक रूम है, कहीं 2 रूम है। इस सदन में भी मैं एक बार आवाज उठाया था कि हमारे क्षेत्र में छपरा हाई स्कूल है, मीनापुर हाई स्कूल है, जहां 2 कमरा में 1200 बच्चे, 3 दिन बच्चे पढ़ते, 3 दिन बच्चियां पढ़ती, और जवाब इसी सदन में आया था हमको कि वहां पर क्लास रूम, 5 क्लास रूम है, पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा है। हमने जांच के लिए इसी में हाउस में लिख कर दिया, लेकिन कोई जांच का कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तो लगता है अंधी नगरी चौपट राजा वाला है।
कोई किसी का सुनने वाला नहीं, ना मंत्री का पदाधिकारी सुनते, ना पदाधिकारी जो है जनता का सुनते, ऐसी स्थिति है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात है कि सरकार ने अखबार में दिया था कि एफटीईटी पास अभ्यर्थियों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे शिक्षा मंत्री का बयान है कि जो एफटीईटी पास कंप्यूटर से पास कर गया, जो उत्तीर्ण हुआ और जो न उत्तीर्ण हुआ, उस सबको नौकरी मिलेगा, अखबार में है उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन आज इसकी हालत यह है कि एग्जाम हुआ, परीक्षा आपको हुआ है, वैकेंसी निकला, परीक्षा निकला उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षा हुआ 2019 में, वैकेंसी निकला 28 जनवरी 2020 को, पहली बार जो है इसका कोरोना काल में इसका मतलब की परीक्षा हुआ, और फिर उस परीक्षा में अनियमितता हो गई, फिर रद्द करके 9 सितंबर 2020 को फिर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया 12 मार्च 2021 को। लेकिन आज तक क्या हुआ, किसी आदमी का कोई चयन हुआ? सारे लोग रोड पर भटक रहे हैं। हमारे जिला का हाल है कि यूनिवर्सिटी में टाइम पर 4 साल में आपको ऑनर्स का डिग्री 3 साल में नहीं मिलेगा, 5 साल से कम में नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। वहां एक एक विभाग का विभागाध्यक्ष, अब समाप्त कीजिए, एक एक आदमी जो है 10-10 विभाग का विभागाध्यक्ष बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में बताइए वहां क्या एजुकेशन का मामला है। अध्यक्ष महोदय, संजय सिंह जी जो प्रधान सचिव है, इनके यहां एक लड़का ट्यूटर किया, उन्होंने जवाब में भी दे दिया कि जितने लोग पास किए हैं सबको नौकरी मिलेगा, एस कर दिए। आज तक लड़का क्या कर रहा है, हड़ताल कर रहा है। तो ऐसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि गरीबों के बच्चे का ख्याल रखते हुए जितनी भी सरकारी स्कूल है उसको व्यवस्था सही करें, उसमें शिक्षा की व्यवस्था करें। और जब स्मार्ट क्लास और डिजिटल क्लास की बात करते हैं तो प्रोफेसर हो या टीचर हो, क्या क्लास करता है उसका भी कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करके आप मंगा करके देखें, तभी बिहार में एजुकेशन का सही इस्तेमाल होगा। माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल जी, एक मिनट सर। अभी सदन में तो बड़ा गर्मा गर्मी हुआ है, हमारे तो अध्यक्ष जी पहले रहते थे तो बड़ा सर सुनाते थे, तो मैं अपने एक नेता के लिए अपने सर बोलता, मैं उनके लिए नहीं बोलता। कहा गया है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक के बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अंत में मैं चाहता हूं कि हाँ, कटौती जो हमारे दल के जो लोग कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं उसको माना जाए। पवन कुमार जायसवाल जी, सभापति महोदय, 15 मिनट का समय पहले था आपका, समय कटौती हो गया है 5। कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।